डेमोक्रेसी का क्रिटिसिजम ठीक है पहली बात समझिए फर्स्ट थिंग यू शूड अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेटो एथेंस हैड डेमोक्रेसी ठीक है इतना सारा फिलॉसफर उसमें से किंग कैसे चुनेंगे लोग आएंगे एक को चुनेंगे ये है ठीक है कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई फिलोसफर किंग में लिखाया तो है हमने पीपल वेलकम एंड रिक्वेस्ट वन फिलॉसफर वो जाएगा ऐसा लिखा है चलो इसमें भूल जाओ उसको अभी इसको फोकस करो फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड दैट एथेंस ऑफ दैट टाइम वॉज अ डेमोक्रेसी ठीक है नंबर वन चीज ये समझिए एथेंस ऑफ दैट टाइम वॉज अ डेमोक्रेसी बट डू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट इवन दो एथेंस वॉज अ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम ठीक है ध्यान सुनो पहले सुन लो यार क्वेश्चन पूछते हो मेरा उधर चला जाता है फिर तुम सीख नहीं पाओगे ठीक है यू विल फाइंड एन इंफीरियर वर्जन ऑफ मी इफ यू वॉन्ट टू हैव अ सुपीरियर वर्जन ऑफ मी तो बीच में नहीं टोकने का सिस्टम ऑफ थॉट है पिछले बार जो पढ़ाया अभी पढ़ाऊंगा उसमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है मेरा पढ़ाया हुआ में नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग यू विल गेट हर बार कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूं मैं ठीक है तो स्ट्रीम ऑफ थॉट है पूछेंगे सवाल स्ट्रीम ऑफ थॉट टूट जाता है तो यू विल फाइंड अ इंफीरियर वर्जन ऑफ मी Ask the question when a topic is done. I'll be happy to furnish my expertise there. Okay? But if you keep pop, pop, uh, popping up the questions, then it is not just problematic for me, it is more problematic for you. You will not find the best version of me. And trust me that if you will get the best version of me,

Socrates and Plato, fine, but that democracy and the democracy that you know of today, the version that you have seen, the version doesn't remains the, remain the same. don't know So if you want to analyze or understand why Plato was critical of democracy, you have to see it from the perspective from the prism of Athens of that time, the democracy in Athens, not the democracy that you see today. Broadly, the defining characteristics of the democracy of Athens of that time was. That though that, that that democracy was broadly a city-state's democracy, very less territorial expense and very less population, so broadly it was a direct democracy. But here, what we see in today's time is not a direct system of democracy; it is a representative democracy. कि हमने अपना एम पी एम एल ए चुना है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है एंड दे विल मेक द लॉज क्लियर यहां तक कोई समस्या नहीं होगा बट एट दैट टाइम इन एथेंस द सिस्टम वॉज डायरेक्ट तो पीपल कैन गिव ओपिनियन ऑर्डिनरी पीपल कैन गिव ओपिनियन अबाउट लेजिसलेशन अबाउट रूल्स इवन पीपल कैन प्रोसिक्यूट समवन एडजुडिकेट भी बन जाता था आज के डेट में पुलिस है जुडिशियल सिस्टम पूरा वो प्रोसिक्यूट करता है सिस्टम प्रोसिक्यूट यू एंड आई कैनॉट ऑल वी कूड डू इज टू रजिस्टर्ड ए कंप्लेट तुम्हें किसी ने मारा तो तुम कंप्लेन करो तुम एडजुडिकेट करना नहीं शुरू कर दोगे वहां पे ये सिस्टम था ठीक है तो ये सब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक में अंतर था तो हम जब एनालाइज करें हम जब पढ़ें प्लेटो का डेमोक्रेसी पे थिंकिंग तो हम इस पर्सपेक्टिव को लूज ना करें वी शुड नॉट लूज आर साइट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ठीक है So now the question is why Plato did not like democracy, even the democracy of that time. So Pehla jo his disgruntlement broadly emerged from the your death of Socrates. सोक्रेटिस का डेथ से उसका वो डिस्कटलमेंट शुरू हुआ सॉक्रेटीज वॉज प्लेटोज मास्टर एंड ही न्यू सॉक्रेटीज लाइक नन अदर बट द कॉमन मैन ऑर्डिनरी पीपल Of Athens, they prosecuted them, they acted as a judge and jury, and everything. Such a person of such a wide wisdom, Socrates. He was judicially handled by ordinary people. Can you imagine? बोला क्या है यार ट्रेजिडी ऑफ जस्टिस एंड ओनली इन डेमोक्रेसी दैट कुड हैपन ये उसका दिमाग बैठा है प्लेटो के दिमाग में श्री सॉक्रेटीज को एग्जीक्यूट किया मारा गया डेमोक्रेसी के कारण ऑर्डिनरी लोगों ने उनके आ, प, आ, प्रोसिक्यूट किया उसको प्लेटो लिखता है रिपब्लिक में द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पीपल कोट एंड कोर्ट में लिखा है द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पीपल अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हो लेकिन तुम ही सब चीज बन गए हो तब तो पहला चीज वो था दूसरा है बोलता है कि इट इज अ रूल बाय इग्नोरेंस ठीक <laughs> है बोला डेमोक्रेसी में को जो एक तरह से क्या है रूल बाय इग्नोरेंस है इसका क्या मतलब है बोला जो राजा है डेमोक्रेसी में जो <laughs> प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी नाम ले लो बोला कि दे आर नॉट एक्सपर्ट नॉर्मली द पीपल हु हैव नॉलेज एंड विजडम ऑफ गवर्नेंस नॉलेज एंड विजडम ऑफ जस्टिस दे शुड बिकम द किंग बट व्हाट इज द सिचुएशन इन डेमोक्रेसी द पीपल हु डू नॉट हैव दर अंडरस्टैंडिंग दे एंड ऑफ बिकमिंग द रूलर तो बोलता है कि डेमोक्रेसी में वही लोग रूल करता है जो सबसे बड़ा स्पिनिस्टर होता है जो सबसे बड़ा स्पिनिस्टर होता है वही रूल करता है मतलब कि इफेक्टिवली जो जितना ज्यादा लोगों को मेनिपुलेट कर ले ठीक है लोगों को जो जितना मैनुपुलेट कर सकता है वो उतना पावरफुल लीडर बन के आएगा डेमोक्रेसी में एग्जाम्पल आपके पास हजार है मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं यू नो इट सच बात है तो ठीक इग्नोरेंट पीपल एंड इग्नोरेंट किंग लेकिन उसमें एक कला है कि दूसरों को कैसे मैनुपलेट करके वोट लिया ठीक है चलो उसके बाद डेमोक्रेसी को बोला बोला इट इज हिस्टोरिकल हिस्टरिकल होता है डेमोक्रेसी हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड हिस्टोरिकल इसका मतलब होता है मतलब टू मच ऑफ इमोशन अनकंट्रोल्ड इमोशन बहुत एक्सेसिव इमोशन बोला डेमोक्रेसी में ये जो इमोशन है बहुत हाई पे चला जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल से नो और येस बेस्ड ऑन इमोशन नॉट ऑन रीजन पीपल बिकम सो मच हिस्टोरिक हिस्टोरिकल दैट देयर एबिलिटी टू रीजन और देयर एबिलिटी टू थिंक कंप्लीटली जियो पैराडाइज इतना इमोशन हाबी हो जाता है कि आप अपना रीजन भूल जाते हो जिसे इमोशन इंडिया में कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स में देखो पढ़े लिखे इतने आप आदमी हैं लेकिन जब वोट देंगे तो पर्टिकुलर कास्ट को देंगे वोट कैसे व्हाट इज द रीजन इमोशन इज वेरी हाई प्लेटो गलत नहीं बोल रहा है डेमोक्रेसी में सही में हिस्टोरिकल है इसीलिए तुमको मैनुपलेट कर लेता है कोई भी कुछ से कुछ बोल के ये नीतीश कुमार कल के बीजेपी परसों आरजेडी फिर बीच में एक टाइम आया जब सीएम पद का छोड़ के एक मानझी को किसको बना दिया ठीक है क्या कर रहा है बिहार का आदमी है डूब के मर जाना चाहिए बिहारियों को कैसा तुमने घटिया नेता को चुना है तुम्हारे सामने कर रहा है भाई साहब ये ऊपर से इधर से उधर उधर से उधर एक बार किया चलो समझ में आता है पॉलिटिकल डायनेमिक्स तीन तीन बार और तब भी ग्रहों तुम्हें समझ में नहीं आती है तो यू बिहारी जीवन भर बिहार से दूर हो कहीं काम करोगे कभी कोई उठेगा लात घुसा मारेगा तुम्हारी औकाती है लात घुसा खाने लायक दिस इज द ट्रूथ मेरे को ये बोलने में घबराहट भी नहीं होती मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूं क्यों क्योंकि मैं खुद बिहारी हूं कितना हार्डवर्किंग बिहार जी से हार्डवर्किंग मिलेगा नहीं आदमी आपको वैसा गवर्नेंस मिला है लालू का बेटा रूल कर रहा है उस गधे को कुछ नहीं आता है वीडियो लीक हुआ ना मेरा तो तुम लोग देख लेना ठीक <laughs> है क्या यार तुम मजाक कर दियो हा? क्या है क्या है ये इमोशन हम राजपूत है तो राजपूत को वोट देंगे हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे हम और क्या है कास्ट ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट देंगे ठीक है एस शिड्यूल कास्ट है तो शिड्यूल कास्ट को वोट देंगे अरे क्यों देंगे मेरे भाई किसी को नहीं देंगे हम उसको देंगे जो हमें लीडर ठीक लगे हमें जो लीडर ठीक लगे हम उसको देंगे ये है रीजन एक बार तुम देना तो शुरू करो उस तरह से देखो कैसे चेंज होता है माहौल हालत खराब हो जाएगा नेताओं का कुछ नहीं है नेता बहुत कमजोर है केजरीवाल एक चीज सही बोलता था कि इनसे ज्यादा ना कावड़ और कमजोर इंसान है नहीं कोई ये तंत्र के पीछे छुपे हुए हैं घुस के देखो और देखो क्या कर दिया वो तीन महीना चार महीना पहले से मोदी जी को गुजरात में रैली करना पड़ रहा है जीतेगा तो बीजेपी ही सबको पता है और सही तरीके से नहीं जीतेगा तो दूसरा तरीका से भी जीतेगा क्योंकि वो तो होम ग्राउंड है वहां पे हार नहीं सकता है लेकिन 25-30 सीट अगर ये केजरीवाल ला दिया तो माहौल पूरा देश का खराब कर देगा 24 विल बिकम अ थ्रेट <coughs> तो मोदी जी वहां पे तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता यह सब वर्ड यूज करने का अर्बन नक्सल लेकिन वो यूज कर रहे हैं अर्बन नक्सल का कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहा है हर पॉसिबल सिचुएशन क्यों क्यों इस तरह का चीज कर रहा है क्यों इमोशनली सेंटिमेंट जनरेट करने की कोशिश किया जा रहा है आपको पूरा देखो जर्मनी का कहानी वही था पहले हिस्टोरिकल पीपल तो लोग को पता है ट्रंप ट्वीट कर दिया डिप्लोमेटिकली और लोग पागल हो गए वहां पर कैपिटल हिल में अटैक कर दिया सोचो अमेरिका में इमोशन बहुत हाई हो जाता है बोलता है देन <laughs> एक और चीज बोला एक्सेस लिबर्टी इसके बारे में बात किया <laughs> एक्सेस लिबर्टी बोला ये जो डेमोक्रेसी है उसमें लिबर्टी लोग बहुत मांगता है लिबर्टी 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 क्यों हम रूल खुद ही हम रूलर है डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल आई एम द पीपल हमें फ्रीडम नहीं तो किसको फ्रीडम मिलेगा ये थिंकिंग और टू मच फ्रीडम डिमांड करते हैं और टू मच फ्रीडम इज ने गुड टू मच फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर नन फ्रीडम फॉर नन हो जाएगा इस सब जगह पे तुम बहुत प्रैक्टिकलिटी देखोगे प्लेटो का आइडिया जो भी पॉइंट बोला सब सब प्रैक्टिकल पॉइंट बोला टिल इट इज ट्रू यू कैन सी देर इज समथिंग सिमिलरिटी बिट्वीन टूडेज डेमोक्रेसी एंड द प्लेटोज क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए उसने बोला डेमोक्रेसी सबसे घटिया किस्म का सिस्टम है इससे अच्छा कोई और सिस्टम डेमोक्रेसी में और घटिया एक और होने का कारण है जो आगे चल के बोलेगा कि पता ही नहीं चलता है कि ये घटिया है पता ही नहीं चलता कि घटिया है सबसे बड़ा समस्या ये है दूसरे में पता चल रहा है कि हां वो मोनार्की है ठीक है हमको पता है हमें पता है वो ओलिगार्की है एरिस्टोक्रेसी है जो भी है इसमें तो इतने अमीर अमीर लोग इतना लूट पाट के कर, ये करके इतने एरिस्टोक्रेटिक जीवन जी रहे हैं मस्त बस एक बार ऐसे झुक जाएंगे आपके सामने आपको लगे हमी शेर हमीर डेमोक्रेसी मैं राजा मैं हूं तो सब चीज है देश हमसे है ऐसा फीलिंग देता है फीलिंग कुछ और दे रहा हो तेरे साथ कुछ और रहा है और सब सिस्टम में नहीं होता ये जो है क्लैरिटी है कि भैया डिक्टेटरशिप है टैरनी है तुमको एरिस्टोक्रेसी है टिमोक्रेसी जो भी है वो दिखता है इधर दिखता ही नहीं है वो आएगा जनता जनार्दन बोलेगा जनता जनार्दन भाई साहब बीस पच्चीस इंच का सीना सत्तर इंच का सीना बन जाता है सुनते ही क्या रिये? मोदी जी झुक गए थे औ यही हो रहा है यही है प्रॉब्लम